कॉन्फ्रेंस आज 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर आज तारीखों का ऐलान चुनावों के मद्देनजर यहां पर 5 राज्यों में जो तारीख होगी चुनाव के दिन की उनका ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के चलते आज वो तारीखें भी बताएंगे जब से मतदान शुरू होगा। तो हमारे संवाददाता कुमार पुष्कर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कर, 3:30 बजे का वक्त होगा, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें जो हैं, क्या लगता है कि लंबे अंतराल तक चुनावों को कराया जा सकता है या फिर कम शॉर्ट टाइम में चुनाव को खत्म किया जा सकता है? कुमार पुष्कर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल शिवांगी, आज चुनाव आयोग 3:30 बजे चुनाव की घोषणा करेगा किन किन राज्यों में चुनाव होंगे। 5 राज्यों की बात कही जा रही है, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में के जो तारीखें हैं उसका ऐलान चुनाव आयोग 3:30 बजे करेगा। काफी जो तमाम बैठकें थी उसको लेते हुए चुनाव आयोग काफी दिनों से गंभीर था, किस तरह के गाइडलाइन होंगे, हाँ। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत चुनाव आयोग किस तरह से इन 5 राज्यों में चुनाव करेगा उसकी उसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 5 राज्यों के तारीखों का आज चुनाव आयोग ऐलान करेगा। विज्ञान भवन में 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी कुमार पुष्कर, यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि चुनाव होना ही है जनवरी या फरवरी में? देखिए, साफ तौर से जिस तरह से चुनाव आज इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है चुनाव आयोग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके तहत भी चुनाव आयोग फैसला ले सकता है, गाइडलाइंस बना सकता है रैलीज को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तमाम जो लगातार 10 दिनों से चुनाव आयोग की बैठकें थी उसको लेकर आज फाइनली तय कर दिया कि चुनाव आयोग इन 5 राज्यों में चुनाव कराएगा और आज तारीखों का ऐलान 3:30 बजे कर देगा कि किन किन राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन वो भी कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइन के अनुसार चुनाव होंगे। साफ तौर पे चुनाव आयोग काफी गंभीर है। जी कुमार पुष्कर, क्या आपके पास ऐसी कोई खबर आ रही है कि ये जो तारीख हो सकती है चुनाव शुरू होने की वो जनवरी में शुरू हो सकते हैं, फरवरी में शुरू हो सकते हैं या मार्च में शुरू हो सकते हैं, कब तक, इसकी कोई जानकारी है? देखिए शिवांगी, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, 3:30 बजे तक वेट करना होगा, क्योंकि चुनाव तभी होंगे जब कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस तमाम राज्य फुलफिल करेंगे। इस बात पर काफी गंभीर है कि कोरोना जो जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, चुनाव हुए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग तमाम स्वास्थ्य सचिव से लेकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से लगातार उनकी बैठकें चल रही थी, उस बात को लेकर कि जो कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस है उसको लेकर उसको फुलफिल करना होगा तमाम राज्यों को। लेकिन डेट की अगर बात करें तो 3:30 बजे चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। जी कुमार पुष्कर, देखिए जिस तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए चुनाव आयोग तारीखें बता सकता है, यानी कि जिन राज्यों में, जिन 5 राज्यों में कोरोना पीक पर होगा तो वहां पर हो सकता है क्या ऐसा कि चुनाव को कुछ समय के लिए रोका जाए, इसका भी ऐलान हो सकता है क्या, या फिर एहतियात के साथ ही एक ही टाइम में इन 5 राज्यों में चुनाव होगा? देखिए शिवांगी, ये कहना बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन काफी कई दिनों से चुनाव आयोग लगातार इस पर बैठ के करता रहा है। स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी जो नीति आयोग के सदस्य हैं, एम्स के डायरेक्टर, ICMR के डायरेक्टर से भी लगातार और टच में था, और कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो कोरोना जो प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस है उसको लेकर भी काफी गंभीर था कि इन तमाम राज्य इस पूरे प्रोटोकॉल के तहत ही चुनाव वहां पर होंगे। और उस तरह से खासकर अगर रैलियों की बात करें तो क्या रैली वर्चुअल होगी, इस पर भी आज चुनाव आयोग अपना फैसला करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कर तमाम जानकारियों के लिए आपका। अरे गरीब गरीब गरीब